लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप तमाम लोग एक शॉर्ट नोटिस पे यहां पर जमा हुए। यहां समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी स्टेज पर मौजूद है, जनाब अल्ताफ साहब जिला सदर है, नजीर साहब यूथ के प्रेसिडेंट है, जनाब अहमद साहब भी यहां पर मौजूद है, मीनाज साहब भी है, मोहसिन सुनार भी है, राशिद सिद्दीकी साहब भी है। आज यहां पर एक शॉर्ट नोटिस के जरिए से आप तमाम को जो जहमत दी गई, तकलीफ दी गई बुलवाने की, इसकी अहम वजह यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट वो एमएलए अबू आसिम आजमी साहब के आदेश के अनुसार समाजवादी पार्टी नांदेड़ के पार्लिमानी लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेगी। चूंकि हमने उत्तर प्रदेश का हमारा मौकफ बहुत मजबूत मौकफ है और जहां तक मीडिया बिरादरी के सर्वे के हिसाब से यूपी के इलेक्शन में जिस तरीके से वहां पर हमको सर्वे के मुताबिक बढ़ोतरी नजर आ रही है, तो चूंकि हमने यहां पर भी महाराष्ट्र के उन जगहों से इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा किया जहां पर हमारी पार्टी का संगठन यूनिट मजबूत है, इसीलिए आज अबू आसिम आजमी साहब का कल मांझलगांव का जो जलसा हुआ है भीड़ में, तो वहां पर शायद मीडिया के जरिए से आपको ये चीज देखने में आई होगी सोशल मीडिया से कि बहुत बेहतरीन जलसा हुआ और उसी जलसे के साथ साथ अबू आसिम आजमी साहब ने नांदेड़ की और महाराष्ट्र की तमाम यूनिट्स को यह आदेश दिया है कि आप अपने अपने शहर या जिला में जाकर जहां पर हमारे यूनिट्स मजबूत है वहां पर लोकसभा के इलेक्शन का आप बिगुल बजाइए और तैयारी में लग जाइए। आप तमाम को इसी जिम्मन में मैं यहां पर बुलाया हूं, इसे आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है कर सकते हो। महाराष्ट्र में हमारा संगठन जहां जहां मजबूत है हम वहां पर लड़ेंगे। अंदाजा बॉम्बे है, बॉम्बे में चार पांच जगह है, अकोला में हमारा संगठन मजबूत है, नांदेड़ में है, बीड़ में हमारा संगठन मजबूत है, मराठवाड़े में तकरीबन जगहों पर है, नासिक में हमारा संगठन मजबूत है, पुणे में हमारा संगठन मजबूत है। तो हर जहां पर हमारा संगठन मजबूत है जरूर बजरूर समाजवादी पार्टी वहां पर पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद आपको इस चीज से लाइलमी है। नांदेड़ के तकरीबन ताल्लुकों के कमेटी हमने बनाई है, डिक्लेयर किए हैं और प्रेस के माध्यम से उसको हमने मंदर आम पे लाया भी है। हम तो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीएसपी बहन जी के साथ हमारी वहां पर युति हुई तो तमाम अपोजिशन की नींद हराम हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि महाराष्ट्र के अंदर भी हम युति करेंगे बीएसपी एसपी और यहां पर भी एक मजबूत नतायज इंशाअल्लाह ताला आएंगे। वंचित आघाड़ी में ही मैं समझता हूं वंचित आघाड़ी में विचित्र आघाड़ी हो गई हो और जिस तरीके से वंचित आघाड़ी काम कर रही है तभी तकरीबन पांच जगहों पर वो लोग
अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर किए जिसमें मुसलमान ही वंचित नजर आ रहा था। कांग्रेस अशोक चौहान साहब का बोलना है कि आपके साथ बात चल रही समाजवादी और अध्यात्म शामिल करने के लिए तैयार। अब वो बात क्या इलेक्शन के बाद होगी खत्म या उससे पहले होगी, इसीलिए आपके माध्यम से हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हमारे संगठन को भी और तमाम अपोजिशन को पैगाम देना चाहते हैं। बीएसपी के लोकल यूनिट से हमारी बातचीत चालू है और प्रदेश के भी यूनिट से अब वासिम आजमी साहब की बातचीत चालू है। नांदेड़ का उम्मीदवार कौन है? वो तो बताएंगे ना वक्त पे। आप नांदेड़ में आप लड़ने वाले हैं क्या? यकीनन लड़ने वाले हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। क्या आपको बहुजन समाज पार्टी को टिकट मिलेगा या आपकी आपने समाजवादी पार्टी को टिकट देंगे यहाँ पे? समाजवादी पार्टी लड़ेगी यहाँ से। नहीं, कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन जे आ रहे हैं ते कांग्रेस सोबत समाजवादी पार्टी ने लढवत आलेली आहे, या वेळेला मग तुम्ही स्वतंत्र लढण्याचा का निर्णय? म्हणजे कांग्रेसचा अनुभव चांगला नाही की काय? म्हणजे काय म्हणायचं? कांग्रेस पार्टी का मौकूफ ये है कि कांग्रेस ये चाहती है कि उनको उजाला मिले। जो अंधेरे में अभी कांग्रेस पार्टी चल रही है पूरे देश में, वो उजाला उनके पास आए, उनके घर में पहुंचे, लेकिन हमारा घर जलाकर वो उजाला लेना चाहते हैं। वो डिवाइडेशन हो जाएगा और उसका कम्युनल पार्टी को फायदा होगा, ऐसा नहीं मिलता। फिर क्यों उत्तर प्रदेश में सीट लड़ा रहे हैं आप, जहां पर आपका मौकूफ मजबूत नहीं है? फिर उत्तर प्रदेश में अलहदा इलेक्शन लड़ने की वजह क्या है, जबकि हमारे नेताजी ने खुलेआम ऐलान किया कि रायबरेली से अमेठी से हम सीट छोड़ते हैं। मौकूफ तो बीएसपी एसपी का मजबूत है ना वहां पे, तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए। राहुल गांधी इलेक्शन लड़ने की खयास आ रहे हैं, चल रही है क्या अपना घर बढ़ाने के लिए आपने कैंडिडेट खड़े करने का? हम तो पहले ही ऑलरेडी दो जगह उनको छोड़ दिए हैं, अब यहाँ पर राहुल गांधी आओ या कोई भी आओ, इलेक्शन तो लेंगे हम, हिस्सा लेंगे इलेक्शन में। यकीनन दो जगह छोड़े ना, उत्तर प्रदेश में दो जगह छोड़े। क्या वजह हो सकती है राहुल? अब यहाँ की लीडरशिप को यह खदशा होगा कि यहाँ उनकी सीट नहीं आई तो चलो बुलाओ, हो सकता है ये भी। क्या वजह होगी जो राहुल यहाँ से लड़ने के लिए सोच रहे? अब यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है उन्हीं के पार्टी के लीडरान से पूछना पड़ेगा। कांग्रेस और एनसीपी अगर महाराष्ट्र यूनिट को बात करके अगर तैयार होती है इत्याद के लिए, तो इत्याद मुमकिन है क्या? नहीं, अभी तक तो मौका दिया गया ना, तीन मर्तबा सिर्फ बातचीत हो रही है और उस बातचीत में कोई हल नहीं निकला। और लास्ट टाइम के असेंबली इलेक्शन के इंतखाबात में अब वासिम आजमी साहब को धोखे में अंधेरे में रखकर रात के 12 बजे ये लोग अलायंस तोड़ते हैं, तो कांग्रेस पे हम कैसा भरोसा करेंगे? यूपी के जैसा महाराष्ट्र में कुछ समाजवादी पार्टी ने सर्वे किया क्या? कितना जगह काम करें? उसी सर्वे की बुनियाद पे ही तो आज बैठे हैं आपके सामने। मौको पार्टी का अच्छा है और इंशाल्लाह ताला जहां जहां हमारा संगठन मजबूत है, हमें ऐसा नजर आ रहा है कि वहां से हमारी सीट चुनकर आएंगे। मोइन भाई, दो दिन पहले अशोक चौहान साहब का स्टेटमेंट आया जब उनकी संघर्ष यात्रा खत्म हुई, उन्होंने कहा कि हम सभी से बात करने को तैयार हैं लेकिन हम पहल नहीं करेंगे, तो क्या लगता है कि आप वासिम अजीब साहब ने पहल नहीं की कांग्रेस को बात? नहीं, यही तो है, कांग्रेस की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी हम तो चाहते थे कि मिल बैठ कर सीटों का बंटवारा हो, हमारी हैसियत के मुताबिक हमको सीट मिले, लेकिन फिर वही बात आई कि आपको आना है तो आओ, हमें कोई गर्ज नहीं है। आपने कितने सीट मांगे थे कांग्रेस से पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के सीट के लिए अब वासिम आजमी साहब ने कहा था कि जितने भी सीट देने आप दो, वो कोई तादाद नहीं रखे थे कि आप इतने दें। लेकिन कांग्रेस का मौकफ यह है कि वो सिर्फ बात कर बातों में ही बहला रहे हैं। मराठवाड़ा में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए कितना छोड़ने का निर्णय किया? नहीं, कांग्रेस के लिए नहीं, जहां जहां हमारा मौकूफ मजबूत है वहां लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मोइन भाई, तारीख गवाह है कि अभी तक जो है नांदेड़ जिले में कांग्रेस का ही दबदबा कायम रहा, कई बार तजुर्बे हुए जिसमें जो है नाकामी हासिल हुई,
फिर उसके बावजूद भी आपका ये फैसला क्या दुरुस्त साबित होगा? नहीं नहीं, क्या बीएसपी ने वोट नहीं लिया यहाँ पे? क्या समाजवादी ने वोट नहीं लिया यहाँ पे? विनिंग मॉकअप नहीं है उतना लीडिंग वोट, हां उतना लीडिंग वोट जो होना चाहिए मतलब नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कनेक्ट जीत नहीं लिए मतलब। नहीं सुनिए, आप मुझे बताइए कितना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी हमारी पार्टी है, पार्टी के वर्कर्स क्या करेंगे? और दूसरी चीज ये है कि बड़ा सोच समझकर हम लोगों ने फैसला किया, ये चीज तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। और अगर वोटों के बंटवारे की अगर बात है तो उत्तर प्रदेश में क्यों इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लोग, क्यों इलेक्शन कर रहे हैं? वो तो आगे बात चालू है, फाइनल नहीं हुआ। अरे भाई वो तो 2017 के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में ही समर्थन कर दिए थे अशोक चौहान को, नहीं किए क्या? हाँ अगर वो अलग हो जाते वंचित आघाड़ी से, हाँ पार्टी नहीं, मैम तो ऑलरेडी अशोक चौहान से पैक है ना यहाँ पे, उसकी सीधी मिसाल है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत देश में एमआईएम पार्टी बीजेपी के इशारे पर काम करेगी, लेकिन जहां पर नांदेड़ की और अशोक चौहान की बात आती है वो जितना कहते हैं उतना ही करते हैं। उसीलिए तो उसके बाद ही पता चला ना, एमआईएम में रहने के बाद ही पता चला, तभी तो बोल रहा हूं कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर, उससे पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर जो चीजें सामने ही, उसी के तो खुलासा कर रहा हूं आपके सामने में। क्या हुआ, क्या था, थोड़ा डिटेल तो बोलो। क्या डिटेल बोलो? आप खुद जान सकते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जो सूरत हाल पेश आई, जो कुछ हुआ, सुनिए ना। हाँ तो उससे पहले तो सीधे तौर पर उन लोग ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो सीधा सीधा होगा था ना काम, नहीं आए। हम बोले ठीक है भाई, मोदी की लहर है, ऐसी है वैसी है, यो है, फिरका परस्तों को नहीं लाना है, तमाम चीजें सामने थे। नांदेड़ कांग्रेस का ये कहना है कि अल्पसंख्यक हमारी वोट बैंक है। अच्छा, तो हमको कोई चिंता नहीं है। अच्छी बात है तो बता देंगे, अभी माइनॉरिटी का वोट किधर गिरता है बता देंगे इलेक्शन में। और आप पिछले इलेक्शन का भी अगर जायजा ले तो जिस वक्त लोकसभा विधानसभा मैं अल्पसंख्यक की तरफ से कोई अगर कैंडिडेट दिया गया तो उसको वोट कितने मिले वो भी देख सकते हैं आप लोग। 2014 में कांग्रेस के साथ आपकी मुफाहमत हुई थी, और बाद में लास्ट मोमेंट में खत्म भी हो गया था, उसकी क्या वजह? वही तो बता रहा हूँ, दोहरा रवैया है। कांग्रेस इख्तदार से दूर रहने की वजह उनका तकबर, उनका घमंड है, और वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। नहीं, यही चीज तो है, हम आपको ही बताना चाह रहे हैं कि इस एंगल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सोच रही। डराने के लिए नहीं है, हम वही कह रहे थे कि हमारा ठीक है कि हम यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, मेजोरिटी में नहीं करेंगे, जहां पर 48 है ठीक है, आप लोग 10 दो, 15 दो, आपका मौकूफ वहां पे कमजोर है तो हम छोड़ रहे हैं आपके लिए 2 सीट। लेकिन ऐसी फराकदिली का मुजाहरा कांग्रेस पार्टी तो नहीं कर रही ना। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि आज फिरका परस्ती से डर कर अल्पसंख्यक के वोट, माइनॉरिटीज के वोट, खासतौर से मुसलमानों के, पिछड़े समाज के, दलितों के वोट उनके झोले में गिर जाएंगे, उनके अलावा तो कोई है नहीं अभी। यही सोच लेकर कांग्रेस पार्टी जो चल रही है, तो बार बार ये लोग सत्ता से दूर होते जा रहे हैं, रियासतों में भी और मरकज में भी। मिलता है तो मजलिस जो है दो कदम पीछे करने के लिए तैयार है,
مجلس یہاں پر 2017 میں 2 قدم میں 4 قدم پیچھے ہٹ چکی ہے. یقیناً ہے نہیں, ہم تو بتا رہے نا, ایک تو ناندیڑ طے ہو گیا, ابھی یقیناً مانگیں گے. نہیں ابھی آپ کے سامنے بیٹھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحاد کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے لوگوں نے. اچھا آپ کے آپ سمپرک میں دوسرے کون سے بانٹے ہیں کہ ابھی چھوٹے چھوٹے دوسرے دل دیکھیں گے ابھی. آج سیٹوں کے لیے جس طرح کانگریس آپ سماج پارٹی کے ساتھ رویہ اپنا رہی ہے, کچھ دن پہلے تک بہوجن سماج پارٹی بہوجن پارٹی کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا. مجلس کو جیسے ساتھ یہ ایک پریشر گروپ بنا اور آپ بڑا صاحب سے بات کرنے کو تیار ہو گئے, تو ایسا کوئی پریشر گروپ کیوں نہیں بنا پایا آپ؟ یا اس طرح سے کوئی آگے کوئی سب پلان میں اور پارٹیز کو ساتھ لے کے کوئی جیسا پریشر بنا دلت مسلم ووٹوں کا کمبینیشن کا؟ وہی تو ہے, بی ایس پی سے بات چالو ہے, دیکھیں گے ان شاء اللہ کیا ہوتا ہے. وہ تو آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو. بہت جلد ظاہر ہوں گے وہ, انہیں سے سوال کرنا چاہیے میرے سب سے. جی بی ایس پی اگر اپنا موقف بدلتی ہے آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تو اس صورت میں بھی ہم لڑیں گے. آپ سے پارٹی آپ کو کہتی ہے تو آپ لڑیں گے کیا؟ ضرور لڑیں گے, کیوں نہیں لڑیں گے, پارٹی کا آدیش ہوگا تو لڑیں گے. آپ کے علاوہ ہر طاقتور امیدوار کون سا ہے آپ کے ساتھ؟ بتائیں گے نا ابھی آپ کو وقت پہ بتائیں گے. ابھی ونچت کتنے دن چلتی ہو تو دیکھو پہلے. جی کانگریس مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے ووٹ کے ذریعے یا پھر پارٹی کو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے ایسا لگتا ہے؟ نہیں, ایک ڈر اور خوف کا ماحول تو ہندوستان میں ہے ہی, خاص طور سے مائنٹیز کے لیے, اور کانگریس پارٹی اسی سوچ میں ہے کہ ڈر اور خوف کے ماحول میں وہ خاص طور سے مسلمانوں کے ووٹوں کو حاصل کرے. آپ نے کہا اشوک چوہان سے کانگریس صاحب کی بات ہوئی ہے, تو بات کہاں اٹکی, مطلب سیٹوں کو لے کے اٹکی یا کچھ دوسرا اختلاف؟ نہیں, 3-4 مرتبہ ان لوگ بات کیے بلائے لیکن اس کا کوئی مثبت حل نہیں نکلا. کون سے مسئلے پہ بات کی؟ سیٹس کے اوپر ہی ہوئے گی نا. کانگریس صرف ٹہلا رہی تھی, سیٹ کی بارگیننگ میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے نا, اسمبلی کے انتخابات کے بعد اس وقت کی بات ہوگی, لیکن فی الحال تو ہم اپنا موقف ظاہر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. ابھی میں آپ کے سامنے گنوایا, ابھی آپ کے سامنے گنوایا میں کہ ناندیڑ میں ہمارا موقف مضبوط ہے, بیڑ میں ہمارا موقف مضبوط ہے, لاتور میں ہمارا موقف مضبوط ہے, غرض 4-5 جگہ مراٹھواڑے میں تو ہمارا موقف مضبوط ہے, اورنگ آباد بھی ہے. جی دیکھیں گے, ہماری کوشش تو ہے کہ زیادہ سے زیادہ چن کے آئے. چھوٹا سا سوال ہے. جی سر, یہ سماج وادی پارٹی یو پی میں ہو یا ادھر جدھر بھی ہے ادھر سبھی سماج کے قوم کے ساتھ کر دیا, مجھے یہاں پر تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ صرف مسلم قوم ہی سماج وادی پارٹی کے ساتھ دیکھا. نہیں, آپ ہمارے پدھیکاریوں کی لسٹ دیکھیے, اس میں ابھیجیت ہمارے پاس ہے, اجے راٹھوڑ ہمارے پاس ہے, گوئند راٹھوڑ ہمارے پاس ہے, سنجے راٹھوڑ بھی ہے, سنجے مورے ہے, بہت سارے پدھیکاری ایسے ہیں جو آج سماج وادی پارٹی کا موقف اور سوشل ایکٹیویٹیز دیکھ کر ہم سے جڑ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ
पत्रकार परिषद आगे भी होते रहेंगी क्या या आखिरी समय जरूर होते रहेंगे। नहीं बहुत इमीडिएट एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम लोगों ने, कल रात में सभा करके आए उस वक्त तो साथ में थे सब लोग, लेकिन सुबह सुबह पहुंचे हम सभा करके। यकीनन होगा इंशाअल्लाह ताला, और मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में आएंगे तो हमारी कोशिश ये है कि नांदेड़ में उनका जलसा लें। हम लोग जरूर आएंगे, आप भी आजम है वो भी आजम आएंगे। ठीक है सर, आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।